एवरीवन, कल हम पीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ओरिएंटेशन, इसमें हमने कल ओरिएंटेशन के इंट्रोडक्शन को बताया था। इसके बाद हमने इसके रिसोर्सेज, स्ट्रेस सोर्सेज की बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन के अंतर्गत हमने जो बात की थी, स्टार्ट किया था आपका पॉइंट टाइप्स ऑफ टैक्सा। टैक्सा में हमने कल नेचर ऑफ सोर्स स्टिमुलस के अंतर्गत बताया था। कल फोटोटैक्सिक एनिमल्स कौन से होते हैं, फोटोटैक्सिक कौन से होते हैं, क्या होते हैं जो फोटो पीरियड के प्रति आकर्षित होते हैं या लाइट के प्रति आकर्षित होते हैं, उनको फोटो पॉजिटिव जो उसको प्रति नेगेटिव रेस्पॉन्स कहते हैं, उनको फोटो नेगेटिव एनिमल्स बताया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था थर्मोटैक्सिक, इसमें बताया है जो कि थर्मल एंड टेम्परेचर के प्रति आकर्षित होते हैं उनको थर्मो पॉजिटिव, और उसको नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं उनको थर्मो नेगेटिव। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ एनिमल यानी कीमोटैक्सिक एनिमल्स की। यह मूवमेंट केमिकल सब्सटेंस के संदर्भ में होती है। अधिकांश एनिमल्स केमिकल्स के लिए निगेटिव कीमोटैक्सिक दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन या एसिड या एल्कलाइड आदि से दूर भागते हैं। मतलब जो एसिड से अगर किसी एनिमल को टच करें तो वो एनिमल्स क्या बिहेव करेगा, उससे दूर भागता है। लेकिन कुछ एनिमल्स वीक एसिड सॉल्यूशन में पॉजिटिव रेस्पॉन्स दर्शाते हैं। मतलब जो एसिड तो होगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड जिसमें कि एसिड की कंसनट्रेशन लेवल जो होता है वो हाई होता है, और दूसरा होता है वीक एसिड जिसके में एसिड का जो कंसनट्रेशन लेवल होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो जो लो कंसनट्रेशन वाला एसिड है उसमें कुछ एनिमल्स क्या है, उसके विपरीत रेस्पॉन्स दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अधिकांश फ्रेश वाटर फिशेज सेलाइन वाटर से दूर भागती हैं, क्योंकि सेलाइनिटी के कारण उनका जीवित रहना असंभव है। तो ये कैसा बिहेवियर सर शो करती हैं, कीमोटैक्सिक में निगेटिव। अब बात करते हैं थिग्मोटैक्सिक। किसी भी एनिमल का किसी भी ठोस वस्तु या दूसरे ऑर्गेनिज्म से होने वाले संपर्क के प्रति दिए जाने वाला रेस्पॉन्स थिग्मोटैक्सिस कहलाता है। मतलब कोई भी एनिमल्स है, अगर किसी ठोस वस्तु से या ठोस पार्टिकल से टकराता है तो वो उसके प्रति कोई ना कोई रेस्पॉन्स अवश्य दिखाएगा। सपोज भाई अगर आपकी किसी से टक्कर हो जाए दीवार से, तो आप उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स दिखाएंगे? आपको जब दीवार में टक्कर लगेगी तो दीवार को थोड़ी हटा दोगे, अपने आप को हटाओगे, तो वो कैसा कहलाएगा? थिग्मो नेगेटिव। एग्जाम्पल की बात करें, एक अमीबा या पैरामिसियम चलते समय अगर किसी वस्तु से टकरा जाते हैं तो वे फौरन अपना मार्ग बदल देते हैं, इसे नेगेटिव थिग्मोटैक्सिस कहा जाता है। इसके विपरीत जब अमीबा किसी एल्गी फिलामेंट या डायटम से संपर्क में आता है तो वह पहले रुकता है, फिर उसे सिंटोपोडा बनाता है और उसके बाद भोजन के रूप में निगल लेता है। इसी क्रिया को पॉजिटिव थिग्मोटैक्सिस कहा जाता है। अब मैं बात कर रहा था आपकी, अगर आप जा रहे हैं, आप दीवार से टकरा जाते हैं तो वो कैसा होगा, थिग्मो नेगेटिव। अगर आप जा रहे हैं कहीं, ठीक है, आपके सामने कोई अमरूद का पेड़ है और वो आपके सिर से टकरा जाए, आप तो जा रहे हैं, अगर उसकी हाइट ज़्यादा कम हाइट पे लटका हुआ है और आपकी हाइट ज़्यादा है तो वो आपके सिर से लगेगा, तो एकदम आपको महसूस तो होगा कि हाँ कुछ टकराया। आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे, आपने देखा अरे ये तो अमरूद है, उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे और खा जाएंगे, तो वो कहता है थिग्मो पॉजिटिव टैक्सिस है, यानी पॉजिटिव थिग्मो टैक्सिस। इसी प्रकार से अमीबा जा रहा है, अगर वो किसी रॉक से टकराया, किसी चट्टान से टकराया या किसी पत्थर से टकराया तो वो उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा, थिग्मो नेगेटिव। उसी की तुलना में अगर उसको क्या मिल जाता है, कोई एल्गी मिल जाए, कोई उसका फिलामेंट मिल जाए एल्गी का,
या कोई डाइएटम्स मिल जाए तो उसको क्या करेगा, वो सीधा उससे टकराएगा, रुकाएगा, उसको देखेगा, अरे हाँ ये तो इसमें रखाना है, तो वो क्या करेगा अपने स्यूटोपोडिया को उस डाइएटम्स या एल्गे की तरफ मूव कर देगा और क्या किसकी फॉर्मेशन कर देगा, फूड वैक्यूल की, और फूड वैक्यूल के द्वारा उसको जो फिलामेंट्स है या डाइएटम्स है उसको कंज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट रियो टेक्सिस, यह एनिमल्स का एयर करंट या वाटर करंट के प्रति रेस्पॉन्स होता है। पानी में मिलने वाले अधिकांश एनिमल बहते हुए पानी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जबकि अमीबा इसके प्रति निगेटिव रेस्पॉन्स दर्शाता है। पहले समस्या पॉजिटिव रियो टेक्सिस शो करता है, मतलब कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं, जैसे वाटर करंट बह रहा है तो उसके साथ साथ बह जाते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे होते ऐसे होते हैं जो वाटर करंट है अगर एक दिशा में बह रहा है तो उसके प्रति नेगेटिव रेस्पॉन्स दर्शाते हैं। ज़्यादातर फिशेज जो हैं वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दर्शाती हैं। आपने देखा होगा जो फिशेज हैं जिधर धारा बह रही है उधर साइड में ही तैरती रहती हैं, कुछ उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरती हैं, तो अपोजिटिव में जो तैर रही हैं वो हो गया नेगेटिव रेस्पॉन्स और जब सीधे तैर रही हैं वो कौन सा हो गया पॉजिटिव रेस्पॉन्स। ऐसी बात हो रही है यहाँ पे अमीबा की, अमीबा कैसा दर्शाता है नेगेटिव रेस्पॉन्स और पैरामीडियम कैसा दर्शाएगा पॉजिटिव रेस्पॉन्स, क्योंकि वो वाटर करंट के साथ साथ अपनी बॉडी को उसी एरिया में ले जा रहा है, उसी एरिया में उसमें गमन हो रहा है, उसी एरिया में उसमें लोकोमोशन हो रहा है। नेक्स्ट गैल्वेनो टेक्सिस, एक एनिमल का इलेक्ट्रिक करंट के प्रति किए जाने वाला रेस्पॉन्स गैल्वेनो टेक्सिस कहलाता है। यह नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। जब कोई बीक इलेक्ट्रिक करंट किसी मीडियम के में पास किया जाए तो पॉजिटिव गैल्वेनो टेक्सिस होती है, जिसमें एनिमल कैथोड की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग करंट में वह अब एनोड की तरफ मूव कर जाता है। मतलब कोई भी एनिमल्स है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट में रखें तो जो उसकी तरफ उसके जब लो करंट है तो वो किसी तरफ मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ, अगर हाई स्ट्रॉन्ग करंट है तो वो किसी तरफ मूव कर जाएगा एनोड की तरफ, तो एनोड वाला कैसा हो गया रेस्पॉन्स पॉजिटिव और वो हो गया निगेटिव। अब बात करते हैं जियो टेक्सिस, नेक्स्ट पॉइंट, यह एनिमल की ग्रेविटेशन की तरफ होने वाली मूवमेंट है। अधिकांश एनिमल पॉजिटिव जियो टेक्सिस होते हैं, जो एनिमल बॉटम पर पाए जाते हैं वे पॉजिटिव जियो टेक्सिस होते हैं, जबकि कुछ अन्य एनिमल्स जैसे हाउस फ्लाई निगेटिव जियो टेक्सिस होते हैं। इसका सीधा सीधा संबंध है, जो एनिमल्स जमीन की सतह से संबंध रखते हैं वो कैसे होंगे जियो पॉजिटिव, और जो जमीन की सतह से दूराई पर स्थित होंगे वो कैसे कहलाएंगे जियो निगेटिव। अब बात करते हैं जियो मैग्नेटोटेक्सिस, जियो मैग्नेटोटेक्सिस में यह किसी भी एनिमल्स का पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होने वाला रेस्पॉन्स है। मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसके प्रति जो रेस्पॉन्स दर्शाते हैं एनिमल्स वो कैसे होते हैं जियो मैग्नेटोटेक्सिस। नेक्स्ट हाइड्रोटेक्सिस, यह पानी के प्रति रेस्पॉन्स है। एक्वाटिक एनिमल्स पॉजिटिव हाइड्रोटेक्सिस और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स नेगेटिव हाइड्रोटेक्सिस होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सिस मूवमेंट बेस्ड ऑन रिएक्शन टू स्टिमुलस, स्टिमुलस की रिएक्शन की प्रति मूवमेंट के बेस पर टेक्सिस कितने प्रकार के होते हैं, तो यह निम्न प्रकार के हैं। नंबर वन है क्लिनोटेक्सिस, इसमें एनिमल्स अपने शरीर की दोनों साइड पर स्टिमुलस की इंटेंसिटी को कंपेयर करता है, इसमें वह सोर्स ऑफ स्टिमुलस को नहीं पहचानता। कंपेयर करने के लिए ऑर्गेनिज्म बॉडी को पहले एक तरफ मोड़ता है और उसके बाद दूसरी तरफ मोड़ता है, इसमें एनिमल्स एक पोजिशन में सेटल हो जाता है जहाँ से बॉडी की दोनों साइड समान रूप से स्टिमुलेट होती हैं। इस टाइप की मूवमेंट कई एनिमल्स में तथा कई एनिमल्स की लार्वल अवस्था में
भर्ती की गई है। फॉर एग्जाम्पल हावर फ्लाई का मैं सॉरी हाउस फ्लाई का मैगोट लार्वा में प्रकाश के प्रति संवेदी रेस्पॉन्स होता है, जिनमें डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी को महसूस करने की क्षमता होती है, लेकिन इनसे डायरेक्ट व डायरेक्ट ऑफ लाइट की जानकारी नहीं मिलती है। अगर लार्वा को लाइट की इंटेंसिटी लेफ्ट की अपेक्षा राइट की तरफ ज़्यादा महसूस होती है तो वह लेफ्ट की तरफ घूम जाता है, अर्थात वह लाइट से दूर भाग जाता है। अगर राइट में ज़्यादा होगी तो लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में होगी तो राइट की तरफ, मतलब वो कहीं भी एक निश्चित पोजीशन पर नहीं रहता। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप टोपोटेक्सिस। यह पूरे के पूरे शरीर की डायरेक्ट ओरिएंटेशन मूवमेंट होती है। इसमें बॉडी की दोनों साइड्स पर स्टिमुलाई की इंटेंसिटी को एक क्रम में कंपेयर किया जाता है और इसके बाद मूवमेंट या तो लेस स्टिमुलेट या मोर स्टिमुलेटेड साइड की तरफ हो जाती है। इसमें एनिमल्स किसी प्रकार की ट्रायल मूवमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर दोनों साइड स्टिमुलेटेड हों तो एनिमल्स किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया उस वाटर करंट के प्रति वेजिटेबल टोपोटेक्सिस होता है जिसमें उसे भोजन की गंध आ रही हो। वह अपने हेड को दोनों तरफ घुमाता है जिससे वह समान रूप से स्टिमुलेट हो जाता है और इसके बाद वह आगे बढ़ता है। आज हमने BSc थर्ड ईयर में टेक्सिस के अंतर्गत हीमोटेक्सिस, थिग्मोटेक्सिस, रियोटेक्सिस में गैल्वेनोटेक्सिस, जियोटेक्सिस, जियोमैग्नेटोटेक्सिस, हाइड्रोटेक्सिस और टाइप्स ऑफ टेक्सिस मूवमेंट बेस्ड ऑन सेक्शन टू ए स्टिमुलाई के प्रति क्लिनोटेक्सिस और टोपोटेक्सिस को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।